नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलेगी अब ऐप पर सभी जानकारी। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए निकली बंपर बहाली। मैग्नेटाइट युक्त चट्टानों की पहचान करने के लिए होगा रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री ने किया यह खुलासा। एमएस धोनी की दीवानगी में फैन ने छपाई शादी की कार्ड पर धोनी की तस्वीर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 797 पदों पर भर्ती। गृह मंत्रालय के द्वारा जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 797 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर विज्ञान या भौतिकी या गणित के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री या कंप्यूटर स्नातक में स्नातक की डिग्री किया होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार के द्वारा आवेदन करने के लिए 23 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट cdn.digialm.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को जारी किया गया नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को मिलेगी अब ऐप पर सभी जानकारी। अगर आप भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या शिक्षक हैं तो बता दें कि अब आपको पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी एक ऐप पर मिलने वाली है। दरअसल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक व इंटर परीक्षार्थियों तथा शिक्षकों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम BSEB मोबाइल ऐप है। मालूम हो कि इस ऐप को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि इस ऐप का उपयोग शुरू हो गया है और अब बहुत जल्द ही सभी स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा, जिससे कि तुरंत उनकी पहचान हो सकेगी। वहीं इस ऐप की मदद से स्टूडेंट्स अपने सर्टिफिकेट व अन्य कागजात भी देख सकते हैं और साथ ही उसे प्रिंट भी ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐप के शुरू होने से शिक्षकों और छात्रों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से वह सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे इकबाल दुर्रानी के बारे में। इकबाल दुर्रानी एक भारतीय लेखक, निर्देशक, अभिनेता और हिंदी फिल्मों के निर्माता है। उन्होंने झारखंड के क्रांतिकारी आदिवासी बिरसा मुंडा के जीवन पर गांधी से पहले गांधी लिखा। 2008 में प्रकाशित यह साहित्य और फिल्म जगत दोनों में प्रशंसित थी और इसकी तुलना मैक्सिम गोर्की की माँ के साथ हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचकों द्वारा की गई थी। वे आध्यात्मिक सामग्री वाली किताबें और स्क्रिप्ट लिखते रहे हैं। इकबाल दुर्रानी दुनिया के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने सामवेद को हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया। उन्हें उनकी सामाजिक गतिविधियों और लेखन के लिए वर्ष 2008 में झारखंड रत्न पुरस्कार, रघुनाथ राय संथाली सिनेमा एंड आर्ट उर्दू प्रेस ऑफ इंडिया द्वारा एन दिल्ली में वर्ष 2010 में राजीव गांधी वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, महाराजा यशवंत राव होलकर प्रतिष्ठान द्वारा मुंबई में वर्ष 2011 में बाबा साहेब अम्बेडकर पुरस्कार, साहित्य कला संगम प्रतापगढ़ द्वारा प्रदान की गई विद्या वाचस्पति की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। ओडिशा ट्रेन हादसे में सुरक्षित बचे 40 यात्रियों को लाया गया पटना। बीते शुक्रवार की शाम को ओडिशा के बालासोर में हुए बड़े रेल हादसे में अब तक 228 लोगों की जान जा चुकी है तो वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में बचे 40 यात्रियों को बालासोर से बस के जरिए पटना लाया गया है। मालूम हो कि सभी यात्री बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं, जिनमें अररिया, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी और समस्तीपुर शामिल है। मालूम हो कि हादसे से बचकर आए वापस लोगों का कहना है कि उनकी जान ऊपर वाले की कृपा से बच गई है। उन लोगों ने जो नजारा देखा वह नजारा अभी तक उनके सामने है। भगवान न करे कि कभी इस तरह की घटनाएं घटे। बता दें कि उड़ीसा से पटना आए लोगों के द्वारा बताया गया कि घटना में कई लोग घायल हैं तो वहीं कई लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 40 लोगों को बालासोर से पटना लाया गया है उनमें 24 लोग अररिया जिले के रहने वाले हैं तो वहीं 2 किशनगंज, 9 दरभंगा, 2 सीतामढ़ी और 3 समस्तीपुर के यात्री शामिल हैं। जन्म से ही टेढ़े पैरों का इलाज अब बिहार के हर सदर अस्पताल में होगा उपलब्ध। जिन बच्चों के पैर जन्म से ही टेढ़े हैं या जिन बच्चों को क्लब फुट है उनके इलाज के लिए अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्लिनिक खोलने की योजना बिहार के सभी जिलों में बनाई जा रही। इसके लिए सिविल सर्जन को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार के तरफ से पत्र भेजा जा चुका है। मालूम हो कि राज्य में कुल 6 ही मेडिकल कॉलेज हैं और एक सदर अस्पताल हाजीपुर में ही इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अब राज्य के हर जिले में यह सुविधा उपलब्ध होगी। बता दें कि अभी हाल में ही आर्थोपेडिक सर्जन की बहाली सदर अस्पतालों में की गई है। ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्री ने किया यह खुलासा। ओडिशा में कुछ दिनों पहले ही भयावह ट्रेन हादसे की खबर सामने आई थी, जहां यह जानकारी मिली थी कि इस हादसे में कुल 288 लोगों की मौत हुई थी,
लेकिन वहां के मुख्य प्रदेश सचिव प्रदीप जेना ने जानकारी दी कि 288 नहीं बल्कि इस हादसे में 275 लोगों की मौत हुई है। वहीं हादसे को लेकर मुआवजे की घोषणा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के तरफ से हो चुकी है, जहां मृतक के परिजनों को 10 लाख रूपए, गंभीर रूप से घायलों को 5 लाख रूपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रूपए दिए जाएंगे। साथ ही रेलवे द्वारा यह भी कहा गया है कि जो यात्री बिना टिकट के भी थे उन्हें भी मुआवजे की राशि दी जाएगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि इस हादसे के मूल कारणों का पता लगा लिया गया है, यह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है और जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की मांग की है। मैग्नेटाइट युक्त चट्टानों की पहचान करने के लिए होगा रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण। बिहार के दक्षिणी हिस्से में लौह और फेरोमैग्नीशियन खनिजों की प्रचुरता वाली चट्टानों की पहचान की जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण कराने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में पहली बार इस तरह का सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। मालूम हो कि बिहार के जिस दक्षिणी हिस्से में यह रिमोट सेंसिंग और हवाई सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा उसमें औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा और जमुई जिला शामिल है। इस बारे में बिहार के अतिरिक्त मुख्य सचिव साहब खनन आयुक्त हरजोत कौर बमराह के द्वारा पीटीआई भाषा से कहा गया कि खनन और भूविज्ञान विभाग तथा आरएसएएस जीएसआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और अब केवल समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं हस्ताक्षर हो जाने के बाद अध्ययन सर्वेक्षण का अंतिम नतीजा आगे कार्रवाई के लिए 1 वर्ष के भीतर उपलब्ध होगा। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए निकली बंपर बहाली। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दरअसल बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नियुक्तियों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों को लेकर तेजस्वी यादव द्वारा कहा गया है कि जिन ग्रामीण इलाकों की सड़कें सबसे ज्यादा खराब है सबसे पहले वहां की सड़कों का निर्माण होगा, इसलिए निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग में जल्द ही 16,000 नई बहाली होने वाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मखदूम कुंड के बारे में। मखदूम कुंड राजगीर शहर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यह मुस्लिम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर मखदूम कुंड और दरगाह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड देखने के लिए मिलता है, इस गर्म पानी के कुंड में नहा सकते हैं। यहाँ पर सूफी संत मखदूम सा की दरगाह है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग मखदूम सा की दरगाह में आते हैं। मखदूम सा राजगीर के जंगलों में 12 साल तक रहे और वह इस कुंड में रोजाना आते थे। यहाँ पर आप आकर दरगाह में सूफी संत मखदूम सा के दर्शन कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर रहने के लिए रूम भी रेंट पर मिलते हैं। यहाँ पर खिजार मस्जिद देखने के लिए मिलती है। अब महज 6 घंटे में पूरी कर लेंगे वाल्मीकि नगर से हरिहरगंज तक का सफर। करीब 454 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क नेपाल बॉर्डर पर स्थित बिहार के वाल्मीकि नगर से झारखंड के हरिहरगंज तक बनने वाली है, जो राजधानी पटना के नौबतपुर से विक्रम अरवल औरंगाबाद अम्बा से होकर हरिहरगंज तक जाएगी। बता दें कि इसी वर्ष लगभग 143 किलोमीटर तक के सड़क का डीपीआर हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार साल 2026 तक यह सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार होने की संभावना जताई गई है। आने वाले वर्ष में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू होने की बात कही गई है। केंद्र की तरफ से बीते ही दिनों सड़क निर्माण को मंजूरी मिली है। पहले वाल्मीकि नगर से हरिहरगंज तक जाने में 11 घंटे तक का समय लगता था, लेकिन अब यह सफर महज 6 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। बांका में शराब की बड़ी खेप पुलिस ने किया बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन अवैध शराब तस्करी से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के बांका का है, जहां उत्पाद पुलिस के द्वारा भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर जांच करने के दौरान श्याम बाजार के पास एक मिनी ट्रक से आम की पेटी में से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। बता दें कि मिनी ट्रक पर 121 कार्टन विदेशी शराब लोड किया गया था, जिसमें बोतलों की कुल संख्या 3,000 थी। वहीं शराब की बोतलें बरामद करने के साथ पुलिस के द्वारा एक तस्कर की भी अपनी गिरफ्त में लिया गया है, जिसकी पहचान झारखंड के जामताड़ा जिले के चालक गौरव रावत के रूप में की गई है। तस्कर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शराब की खेप को वह जामताड़ा से बेगूसराय में डिलीवरी देने जा रहा था। विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का होगा लाइव टेलीकास्ट। बिहार के राजगीर में आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का पहली बार लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, यानी कि अब इस मेले का मजा लोग अपने घर बैठे लाइव प्रसारण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ले सकेंगे। बता दें कि इसके लिए जिला प्रशासन की टीम तैयारियों में जुट चुकी है। इस बारे में प्रभारी डीएम सह डीडीसी वैभव श्रीवास्तव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन प्रक्रिया अधीन है। वहीं मलमास मेले के लिए विशेष वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा। बता दें कि इस मेले का आयोजन कोरोना काल की वजह से 5 साल बाद किया जा रहा है। वहीं इस बार राज्य सरकार
सरकार की ओर से इस मेले को राजकीय मेले का भी दर्जा दे दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की शुरुआत 18 जुलाई से होगी जो कि 13 अगस्त तक चलेगी। मालूम हो इस मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। शाही स्नान वह होता है जिसमें साधु संतों की टोलियों द्वारा विभिन्न कुंडों में स्नान किया जाता है। खगड़िया में गंगा नदी में गिरा अगवानी पुल का आधा हिस्सा। बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड में गंगा नदी में बन रहे अगवानी पुल का आधा हिस्सा बीते दिन भड़भड़ाकर नदी में गिर गया, जिससे कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पुल के शुरू होने जाने से उत्तर बिहार के कई जिलों की दूरी कम हो जाती। बता दें कि सितंबर 2015 में 1710 करोड़ रुपए की लागत से पुल और अप्रोच पथ का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने का डेडलाइन नवंबर 2019 तक रखा गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर जुलाई 2021 कर दिया गया था। वहीं अब 2023 के अंत तक इस पुल के पूरा होने की संभावना जताई जा रही थी। मालूम हो कि पुल के निर्माण की जिम्मेदारी एसपी सिंगला कंपनी को दी गई थी, लेकिन पुल के निर्माण पूरे होने से पहले ही इसका एक हिस्सा गिर चुका है, जिसके बाद अब राज्य सरकार के कामकाज पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। लू की मार से झुलस रहा बिहार। मानसून की सुस्त चाल से अब बिहार में इसके आगमन में देरी होगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून की दस्तक 18 जून तक होने के आसार है, क्योंकि मानसून अब तक केरल तट पर भी नहीं पहुंचा है। नतीजतन राज्य में बारिश की गतिविधियां नहीं होने से गर्मी में वृद्धि होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आशीष कुमार के द्वारा बताया गया कि जून के तीसरे हफ्ते तक मानसून के बिहार में आगमन होने के आसार है। ऐसे में बारिश न होने की स्थिति में प्रदेश में 2-4 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि अभी सुबह में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बिहार के मौसम में कोई बदलाव का अनुमान नहीं है और तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश का भी कोई अनुमान नहीं है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने केदारनाथ धाम से फैंस के लिए शेयर किया खास मैसेज। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर अपने किसी न किसी पोस्ट को लेकर या अपने किसी फैंस के प्रति अपने प्यार को दिखाते हुए चर्चा में बनी रहती हैं। बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने अपने फैंस के लिए कुछ कहा है। दरअसल इन दिनों अक्षरा सिंह केदारनाथ धाम में है और वहां से उन्होंने अपने फैंस को वीडियो की मदद से एक खास मैसेज शेयर किया है। अभिनेत्री इस वीडियो में सफेद रंग की सलवार कमीज में नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि मैं आप सभी को, जो लोग केदारनाथ धाम नहीं आ पाए हैं या नहीं आ पाते हैं, उन्हें मैं अपने माध्यम से दर्शन कराना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं बाबा की नगरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षरा सिंह इस वीडियो में बिल्कुल ही आम लोगों की तरह नजर आ रही है। वहीं फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि महादेव की शरण में। यूपी और बिहार में प्रदूषण को लेकर लगेंगे एयर क्वालिटी सेंसर। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रदूषण का कारण आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तैयार स्वदेशी सेंसर बताएंगे। साथ ही केंद्र सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान उनके निवारण का सुझाव भेजकर उनका निदान भी करवाएगा। ऐसे में बिहार और यूपी के लोग स्वच्छ सांस ले पाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पर्यावरण की बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के पहल पर बड़े कदम उठाए हैं। इस परियोजना के तहत एयर क्वालिटी सेंसर दोनों राज्य के 113 के 1356 ब्लॉक में लगाए जाएंगे। ये सेंसर प्रदूषण के साथ ही तापमान की जानकारी भी दे सकेगा। नीट व जेईई परीक्षा के निशुल्क तैयारी के लिए बिहार बोर्ड ने जारी की आवेदन तिथि। निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के मेधावी छात्रों के लिए की गई है। आवेदन की तिथि इसके लिए जारी भी की जा चुकी है, जहां 10 से 16 जून तक मैट्रिक में सफल स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग तथा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में तैयारी निःशुल्क में कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए biharboardonline.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बताते हैं कुल मिलाकर 200 मेधावी छात्रों को ही इसके लिए चयनित किया जाना है। बिहार की इस बेटी को मिला बिहार रत्न सम्मान। बिहार की बेटी किसी से कम नहीं है, यह तो कई बार साबित हो चुका है, लेकिन बता दें कि एक बार फिर से बिहार की एक बेटी ने इस बात को सच कर दिखाया है। दरअसल बिहार के दरभंगा की कवित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को उनके बेहतर गायकी के लिए राष्ट्रीय युवा कल्याण परिषद पटना के तत्वावधान में आयोजित सम्मान समारोह में संस्था के अध्यक्ष विश्व मोहन चौधरी के द्वारा उन्हें बिहार रत्न सम्मान से नवाजा गया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब सोनी चौधरी को किसी सम्मान से नवाजा गया हो। इससे पहले भी उन्हें उनकी गायकी के लिए कई सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान 2022, दतिया गुरुकुल द्वारा सुर मधुकर सम्मान, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, मिथिला सुरक्षा मंच समस्तीपुर द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान, बिहार शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास परिषद पटना द्वारा बिहार सम्मान और महिनाथपुर की संस्था द्वारा संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई सम्मान आदि सम्मान शामिल है।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का किया भव्य स्वागत। बीते ही दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पश्चिम चंपारण पहुंचे। उनके यहां आने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत किया, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें लड्डुओं से तोला। उन्हें तोलने में लगभग 103 किलो लड्डुओं की जरूरत पड़ी। सम्राट के इस भव्य स्वागत के बाद उन्होंने सागर पोखरा के पास स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने 11 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इसके बाद वे नगर भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान सह संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। विपक्षी एकता की बैठक से पहले एक्टिव नजर आए लालू। 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली है। यह बैठक राजधानी पटना में ही होगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, जिसे लेकर लालू यादव भी पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। कुछ महीने पहले ही लालू यादव स्वास्थ्य को लेकर सिंगापुर गए थे, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक होता नजर आ रहा। इस विपक्षी एकता के अभियान के बीच लालू यादव अपने कई करीबी नेताओं के घर भी पहुंचे, साथ ही मीडिया के सामने आकर सवालों का जवाब देते भी नजर आ रहे। विपक्षी एकता के इस पहल के बीच उनका यूं एक्टिव होना काफी अहम माना जा रहा। एमएस धोनी की दीवानगी में फैन ने छपाई शादी की कार्ड पर धोनी की तस्वीर। यह तो हम सभी जानते हैं कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के चाहने वालों की संख्या कितनी है, लेकिन उनके सभी चाहने वालों में एक फैन ऐसा है जिसने उनकी दीवानगी में सारी हदें पार कर दी हैं और कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। दरअसल धोनी के इस फैन ने अपनी शादी के कार्ड पर खुद की जगह एमएस धोनी की फोटो छपवा दी है और अब शादी की कार्ड की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। मालूम हो कि वायरल हो रही तस्वीर में धोनी के फोटो के साथ उनकी जर्सी नंबर 7 और उनका नाम थाला भी देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फैन छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का रहने वाला है, जिसका नाम दीपक पटेल है। उनका कहना है कि वह बचपन से ही महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं, इस वजह से क्रिकेट में उन्हें काफी दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि धोनी की वजह से ही उन्हें क्रिकेट से प्यार हुआ और आज तक यह प्यार बना हुआ है। और कार्ड पर उन्होंने यह तस्वीर केवल लोकप्रियता के लिए नहीं लगाई है, बल्कि वह दिल से कैप्टन कूल को बेहद पसंद करते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब 1659 में आधिकारिक रूप से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मुंबई में 1882 को तूफान और बाढ़ से करीब 100,000 लोगों की मौत हुई। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। भारत की सीमा पर साझा गश्त के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने 2002 में खारिज किया। भारत के प्रसिद्ध टेनिस प्रशिक्षक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी रमेश कृष्णन का जन्म 1961 में हुआ। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एन.एम. जोशी का जन्म 1879 में हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मलयाली भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 1901 में हुआ। प्रतिभाशाली गजल और गीत गायक मास्टर मदन का निधन 1942 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट बताकर एक फर्जी वेबसाइट samagrashiksha.org विभिन्न पदों पर नौकरी देने का दावा कर रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट भारत की सरकार से संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी के लिए samagra.education.gov.in पर जाएं। लैपटॉप में ऐसे करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप भी लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि लैपटॉप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसके तहत आपको एक साथ 3 बटन्स को दबाना है। ये है विंडो प्लस ALT प्लस R। ये 3 बटन दबाते ही आपको स्क्रीन की राइट साइड पर रिकॉर्डिंग का साइन दिखने लगेगा। आप जब चाहे रिकॉर्डिंग को ऑफ ऑन कर सकते हैं। रिकॉर्ड की हुई वीडियो को देखने के लिए आपको विंडो प्लस G दबाना होगा। अगर आप MacOS पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड प्लस Shift प्लस 5 को एक साथ दबाएं। रिकॉर्ड हुई क्लिप्स आपके डेस्कटॉप में मिल जाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आवाज रिकॉर्ड हो तो इसके लिए आप म्यूट बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आवाज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसके लिए लैपटॉप की वॉल्यूम को फुल रखें, ताकि ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। कोरोमंडल ट्रेन हादसे को लेकर गौतम अडानी ने किया बड़ा ऐलान। गौतम अडानी के द्वारा ट्वीट कर कोरोमंडल ट्रेन हादसे को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि ऐलान उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इस ट्रेन हादसे में अपने माता पिता को खो दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उड़ीसा की रेल दुर्घटना में हम सभी बेहद व्यथित है। हमने फैसला लिया है कि जिन मासूमों ने हादसे में अपने अभिभावकों को खोया है, उनकी स्कूली शिक्षा की जिम्मेदारी अडानी समूह उठाएगा। पीड़ितों एवं उनके परिजनों को संबल और बच्चों को बेहतर कल मिले, यह हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में करीब 288 लोगों की जान चली गई है, तो वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग शामिल हैं।
बीते दिन मदुरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने मदुरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत सिंह, मृत्युंजय कुमार, सोना मिश्रा, अजीत कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मंटू कुमार, के सिन्हा, प्रहलाद कुमार, आरती कुमारी, मोहम्मद सकीर हुसैन, उज्ज्वल कुमार, पवन सिंह, प्रयाग सिंह, अंशु कुमार, पीके पासवान, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार अब तक हुए भारत के रेलवे मिनिस्टर में सबसे अच्छा किनका कार्यकाल रहा है? अब न जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।